दूसरी बात तो सच है कि इस दुनिया में कोई भी भविष्य नहीं देख सकता, क्योंकि फिलहाल हम इंसान उतने उन्नत नहीं हुए हैं कि हम भविष्य देखने के लिए कोई टाइम मशीन बना सकें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज है जिसकी मदद से आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं, मगर ये चीज वाकई एग्जिस्ट करती है और इसे कहते हैं पामिस्ट्री, जिसमें आप महज अपने हथेली की लकीरों से ही काफी कुछ जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर पामिस्ट्री हमारे भविष्य के बारे में क्या कहती है। नंबर 10, यू हैव पुअर हेल्थ। दोस्तों, अगर हम पामिस्ट्री की माने तो हम अपनी हथेली से अपनी लाइफ और हेल्थ दोनों की लाइंस को देखकर अपनी हेल्थ का स्टेटस जान सकते हैं। जी हाँ, जहाँ हेल्थ लाइन माउंट ऑफ मर्करी से हथेली के निचले हिस्से तक जाती है, तो वहीं लाइफ लाइन आपके थंब के पास मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पर हेल्थ लाइन मौजूद नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और अगर आपकी हेल्थ और लाइफ लाइन आपस में टच होती है, तो ये एक बुरा इंडिकेशन है, क्योंकि ये एक बुरी हेल्थ का इशारा है। और अगर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो आपके अंदर जेनेटिक डिसीज होने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, हेल्थ लाइन के स्पाइरल होने के आपके ब्लैडर, लीवर और स्टमक में भी खराबी आ सकती है। नंबर 9, फॉरेन ट्रैवल एंड मनी। जब बात फॉरेन ट्रैवल और ढेर सारे पैसों की आती है, तो इन दोनों चीजों के लिए कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि हर किसी की विश होती है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, साथ ही वो लाइफ में एक बार फॉरेन ट्रैवल जरूर करे। अब अगर आप भी इसी तरह के लोगों में से हैं जिन्हें फॉरेन ट्रैवल करना है और खूब सारा पैसा कमाना है, तो जरा आप अपनी हथेली की तरफ देखिए, क्योंकि हथेली में मौजूद माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून के बीच में मौजूद लाइफ लाइन के निचले हिस्से में एक दूसरी लाइन बनी हुई है जो वी का शेप फॉर्म कर रही है। तब सीधे तौर पर आपका विदेश यात्रा का योग बन रहा है, साथ ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और आप अमीर बनने वाले हैं। नंबर 8, यू आर इमेजिनेटिव एंड यूनिक। दोस्तों, अगर आप भी उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के हैं। और अगर आपकी रिंग फिंगर बहुत ज्यादा वाइड है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, रिंग फिंगर को अपोलो द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि आर्ट और लव को सिग्निफाई करता है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि क्रिएटिविटी के साथ ही हमारा मेंटल एटीट्यूड भी जुड़ा होता है, जिसे हथेली पर मौजूद हेडलाइन रिप्रेजेंट करती है। और अगर हेडलाइन माउंट ऑफ मून की तरफ झुकी हुई होती है, तो आपके पास इमेजिनेशन की जबरदस्त पावर होती है, जो आपके लिए एक पॉजिटिव फोर्स की तरह काम करती है। और हेडलाइन से पता चलता है कि आपको लिखने में भी इंटरेस्ट होता है और आप हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। नंबर 7, फ्रेंडली नेचर। दोस्तों, हम इंसानों की हथेली पर कुछ ऐसी भी लाइंस मौजूद होती हैं जो हमारे फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं। दरअसल, अगर आपकी हथेली के ऊपर मौजूद उंगलियों के निचले हिस्से में अगर खड़ी लाइंस बनी हुई हैं, तो इस बात के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक फ्रेंडली नेचर के हैं और आप आसानी से किसी भी आदमी के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर चाहे सामने वाला इंसान आपसे पहली बार ही क्यों ना मिला हो, आप उससे बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। हालांकि अगर आपकी हथेली में ये लाइंस नहीं है, तब इस बात के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपका स्वभाव फ्रेंडली नहीं है और आप अक्सर अकेला रहना प्रेफर करते हैं। नंबर 6, बिजनेस लक। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना तो चाहते हैं, मगर रिस्क लेने से डरते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि अनसक्सेसफुल होने के डर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं, तब आपके इस डर को खत्म करने में आपकी हथेली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी हथेली में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो ये बताने में सक्षम होती हैं कि आप बिजनेस में सफल होंगे या नहीं। दरअसल, अगर आपकी हथेली पर मौजूद लाइफ लाइन टच होते हुए या उसको क्रॉस करते हुए एक लाइन मर्करी तक आ जाती है, तब समझ जाइएगा कि आपका बिजनेस लक बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, अगर आपके मर्करी पर 2 से 3 सीधी लाइंस बनी हुई हैं, तब समझ जाइएगा कि आपके बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। नंबर 5, यू आर सेल्फ सेंटर्ड एंड रूथलेस। आपकी हथेली पर मौजूद हार्ट लाइन आपकी दिल की कंडीशन को इंडिकेट करती है। वैसे तो इस लाइन की कोई टिपिकल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये हर एक इंसान के साथ बदलती रहती है, और हथेली पर मौजूद क्लियर हार्ट लाइन अंत में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये इस ओर इशारा करती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है, जो किसी की भी लाइफ को ढेर सारे प्यार से भर सकता है। हालांकि अगर आपकी हार्ट लाइन बहुत ज्यादा छोटी है, तब आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई भी रिलेशनशिप ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और अक्सर आप अकेला फील करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपकी हार्ट लाइन नीचे की तरफ कर्व है, तो ये बात का साइन है कि आपके रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज आ सकती है। नंबर 4, वेरी लकी। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में सबका लक अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अच्छा लक उनके हाथों की लकीरों में छुपा हो सकता है। दरअसल, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर मौजूद लाइफ लाइन और माउंट ऑफ वीनस के बीच एक पैरेलल लाइन बनी हुई होती है, तब उस व्यक्ति का लक बहुत अच्छा होता है। और इस लाइन को गार्डियन एंजल लाइन भी बोला जाता है, जिसका मतलब सपोर्टिव लाइन भी होता है।
क्योंकि ये लाइन ना सिर्फ आपके गुड लक को बताती है बल्कि साथ ही साथ ये भी बताती है कि आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। नंबर 3, फेम एंड पॉपुलैरिटी। हमारे हाथ में जो रिंग फिंगर होती है पामिस्ट्री के अनुसार उसके नीचे माउंट ऑफ सन होता है यानी कि सूर्य, और इसे पामिस्ट्री का सबसे पावरफुल सेक्शन माना जाता है। इस पर बनी लाइंस किसी भी इंसान को पॉपुलर बना सकती हैं। इसके लिए बस इतना होना चाहिए कि आपके माउंट ऑफ सन पर दो लाइंस बनी होनी जरूरी है जिनमें से एक बिल्कुल स्ट्रेट और दूसरी थोड़ी कर्व हो। साथ ही कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन और अल्फाबेटिकली के की फॉर्मेशन को बनाए। अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत जल्द फेम मिलने वाला है और आप बेहद पॉपुलर होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका हमेशा अच्छा इंडिकेशन हो, क्योंकि ये लाइंस कभी कभी ये भी बताती हैं कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि आपके पास कई मल्टीपल फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने का कारण बनती हैं। नंबर 2, इमोशनल और रिलीजियस। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंसान को इमोशनल नेचर उसकी हाथों की लकीरों पर डिपेंड करता है। जी हाँ, आप माने या ना माने, आपकी हथेली में मौजूद हार्ट लाइन अगर सीधे जाकर मुड़ते हुए माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न के बीच में जाकर खत्म होती है तब ये हमें बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल नेचर के व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर जुपिटर के नीचे मौजूद रिंग लाइन अगर हार्ट लाइन से टच कर रही है तो ये आपके अंदर मौजूद दयालुपन को बताती है और इस बात की ओर इशारा करती है कि आप समाज की सेवा के लिए बने हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर रिंग लाइन के नीचे पैरेलल लाइन हार्ट लाइन को टच कर रही है तो ये आपको बहुत ज्यादा धार्मिक होने का सबूत देती है। नंबर 1, अग्रेसिव। क्या आप किसी भी आदमी की हथेली को देखकर ये बता सकते हैं कि वो गुस्सैल है या नहीं? अगर साधारण इंसान होंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपको पामिस्ट्री का जरा भी ज्ञान होगा तब आप ये जरूर बता देंगे। दरअसल हमारी हथेली पर मंगल की तरफ से निकलने वाली लाइन सीधे जाकर ब्रेन लाइन से कनेक्ट करती है, तो ये सीधा इंडिकेशन है कि आप एक अग्रेसिव व्यक्ति हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा डिसीजन अग्रेशन में लेते हैं, और साथ ही आपको बहुत हड़बड़ी भी होती है। और हाँ, आप हर काम करने की जल्दी में होते हैं जिससे आपके बहुत से काम बिगड़ भी जाते हैं जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।